बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है हूती के हमले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। हूती ने इसराइल में भी हमला किया है। हूती ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। IDF ने मिसाइल को गिराने का दावा भी किया है। लेबनान के अंदर इस वक्त हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह की तलाश हो रही है। मुसाद नसरल्लाह के लोकेशन को ट्रेस करने में जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि नसरल्लाह गुप्त तरीके से लेबनान से भागने की तैयारी कर चुका है। हिजबुल्ला चीफ को यह तैयारी इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि उसके ज्यादातर बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। IDF अब ब्लेड मिसाइल से पिन पॉइंट हमले कर हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म कर रहा है। 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के दो बड़े कमांडर का अंत हो चुका है। पिछले 100 घंटे से लेबनान का दहन जारी है। हर बीते दिन के साथ हिजबुल्लाह का अंत नजदीक आता जा रहा है। ये हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने का ऑपरेशन है। ये हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे का अभियान है। हर दिन हिजबुल्लाह का कोई ना कोई बड़ा कमांडर मारा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसराइल ने ऑल राउंड अटैक शुरू कर दिया है। पिन पॉइंट अटैक के जरिए हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है। चौबीस घंटे के अंदर इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत से लेकर पूरे दक्षिणी लेबनान में 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। IDF ने इस दौरान 400 से ज्यादा टारगेट का नामो निशान मिटा दिया। उन इमारतों को तबाह कर दिया जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम तहस नहस कर दिए गए। हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल लॉन्च साइटें मलबा बन गई। इसराइल के इस बमबारी में हिजबुल्लाह के एक दर्जन से ज्यादा लड़ाके मारे गए। हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा जख्म तब मिला जब इसराइल ने मोहम्मद हुसैन सरूर को खत्म कर दिया। मोहम्मद हुसैन सरूर हिजबुल्लाह का एयरफोर्स चीफ था, यानी हवाई हमले का हेड। इसके अलावा सरूर हिजबुल्लाह का ड्रोन एक्सपर्ट भी था, लेकिन अब इसराइल ने उसका खात्मा कर दिया है। इसराइली इंटेलिजेंस ने सरूर की लोकेशन को ट्रैक किया। उसके बाद IDF ने बेरूत की उस इमारत को टारगेट किया जिसमें सरूर छिपा हुआ था। बड़े विस्फोट के साथ हिजबुल्ला का एयरफोर्स चीफ सरूर का भी अंत हो गया। सरूर का मारा जाना हिजबुल्ला के लिए अब तक का सबसे बड़ा नुकसान इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो रॉकेट, ड्रोन और सभी हवाई हमलों का एक्सपर्ट था। सरूर इतना बड़ा नाम था कि उसे मारने के लिए इजरायली सेना ने बेंजामिन नेतन्याहू से इमरजेंसी ऑर्डर लिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जाने के लिए प्लेन में सवार थे, तभी IDF ने सरूर को खत्म करने का आदेश मांगा। नेतन्याहू ने प्लेन से ही सरूर को मारने का इमरजेंसी ऑर्डर दे दिया। अमेरिका पहुंचने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल की योजना बहुत साफ है, हम अपनी पूरी शक्ति से हिजबुल्ला पर हमला करेंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि अंतिम लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता। इसराइली सेना को लेबनान में एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। कार से जा रहे हिजबुल्ला के कमांडर को पिन पॉइंट अटैक के जरिए खत्म कर दिया। हिजबुल्ला के इस कमांडर का खात्मा इसराइल ने उस स्पेशल मिसाइल से किया जिससे अमेरिका ने अलकायदा चीफ अल जवाहरी को मौत के घाट उतारा था। इसराइल की सेना जिस किलर मिसाइल का इस्तेमाल कर हिजबुल्ला के कमांडर्स का खात्मा कर रही है उसके कई नाम है, मसलन AGM-114R9X, हेलफायर R9X, निंजा मिसाइल और स्वॉर्ड बम। इसे ब्लेड मिसाइल भी कहा जाता है। ये अमेरिका की साइलेंट लेकिन बेहद खतरनाक मिसाइल है। ये हवा से जमीन पर गिराई जाती है। R9X मिसाइल में 6 धारदार ब्लेड से लगे होते हैं। ये ब्लेड ही टारगेट को खत्म करते हैं। इस मिसाइल का इस्तेमाल पिन पॉइंट अटैक के लिए किया जाता है।
ये मिसाइल टारगेटेड हमला करने में माहिर है। ये सिर्फ टारगेट ही खत्म करती है, आसपास तबाही नहीं मचाती है, क्योंकि इसमें विस्फोटक वॉरहेड नहीं होता, क्योंकि इससे न तो कोई धमाका होता है न ही धमाके की आवाज। ये वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल कर अमेरिका ने अल जवाहिरी को खत्म किया था। IDF इस वक्त जिस AGM-114R9X हेलफायर मिसाइलों से पिन पॉइंट हमले कर हिजबुल्ला के कमांडर को खत्म कर रही है, वो कैसे काम करती है, अब इसे एनिमेशन से समझिए। मिसाइल में बारूद की जगह 6 धारदार ब्लेड लगे होते हैं। आसमान से फायर किए जाने के बाद ये टारगेट के पास पहुंचते हैं। इसके बाद इसमें लगे सभी 6 ब्लेड खुल जाते हैं। इसके बाद ये टारगेट को हिट करती है। ब्लेड टारगेट को चीरते हुए निकल जाता है। ये मिसाइल उसी शख्स को खत्म करती है जो टारगेट होता है। आसपास बैठे लोगों को खरोच तक नहीं पहुंचती है। ये कार, दीवार या लोहे के दरवाजे में भी छेद कर अंदर घुस जाती है, कुछ इस तरह। IDF की रिपोर्ट के मुताबिक वो अब तक हिजबुल्ला की 95% टॉप लीडरशिप को खत्म कर चुकी है। हिजबुल्ला का एयरफोर्स चीफ मोहम्मद हुसैन सरूर, हिजबुल्ला के रद्वान फोर्स का हेड इब्राहिम अकील, हिजबुल्ला मिलिट्री का सबसे बड़ा कमांडर फवाद शुक्र, हिजबुल्ला के दक्षिणी मोर्चे का कमांडर अली कराकी, हिजबुल्ला की मिसाइल फोर्स का हेड इब्राहिम कुबैसी समेत हिजबुल्ला के करीब 20 बड़े कमांडर खत्म हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सिर्फ हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ही बचा है, लिहाजा इजरायली सेना ने उसे भी खत्म करने का अभियान लॉन्च कर दिया है। इजरायली इंटेलिजेंस नसरल्ला की लोकेशन को लगातार ट्रेस कर रही है। IDF से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अकेले और अलग थलग पड़ा नसरल्ला जान बचाने के लिए लेबनान छोड़ने की तैयारी में है। IDF ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्ला की 70% सैन्य शक्ति को खत्म कर दिया है। सच भी यही है। बावजूद इसके इसराइल में रॉकेट हमले कर हिजबुल्ला खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इसराइल में रॉकेट की बरसात कर रहा है। हाइफा, साफेद, गोलन, किरियात शिमोना जैसे शहरों में तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसराइल के घातक एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्ला के रॉकेट को हवा में ही तबाह कर रहे हैं। जाहिर है हिजबुल्ला ना तो इसराइल में हमले कर पा रहा है, ना ही इसराइल के हमले से बच पा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान के सबसे बड़े और खतरनाक प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्ला का अंत निकट आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।